आउज़ बिल्लाह मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। दोस्तों, मैं हूं आपकी दोस्त फातिमा महमूद, आपके अपने ब्यूटी चैनल के साथ फातिमाज़ ब्यूटी टिप्स एंड होम रेमेडीज़ के साथ आपकी खिदमत में एक बार फिर से हाजिर हूं। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए एक ऐसा जादुई नुस्खा लेके आई हूँ जिसको लगाकर जो हमारे सांवले बहन भाई हैं उनके लिए जो है बहुत ही अच्छा, करामद और मुफीद नुस्खा है। चीज़ें कुछ भी नहीं इसमें ऐड होनी है। इसमें हमने जो है आलू का हम इस्तेमाल करेंगे और इसके साथ हम विटामिन ई के जो कैप्सूल्स हैं उनको यूज़ करके अपने जो स्किन को है ब्लीचिंग करेंगे। तो वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते, चलाएं अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है, एक मीडियम साइज़ का छोटू सा एक आलू ले लेना है और उसको आपने क्या करना है, किसी बाउल में आपने ग्रेटर की मदद से पिल्स के साथ ही आपने जो है इसको ग्रेट कर लेना है। तो मैं इसको पिल के साथ ग्रेट कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स, ये देखिए मैंने जो है आलू को जो है कश कर लिया। इसके साथ आपने एक छोटा सा इतना सा एलोवेरा का पीस ले लेना है, पिल के साथ ही आपने वो भी इसके बीच में जो है ग्रेट कर देना है। अब आपने क्या करना है, इसको पहले अच्छे तरीके से जो है मिक्स कर लेना है ताकि एलोवेरा इसके बीच में मिक्स हो जाए। तो मैं इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर रही हूँ। इसको जो है मैंने जो है मिक्स अच्छे तरीके से कर लिया। अब हमने क्या करना है, इसका जो है किसी दूसरे बाउल में जो है स्ट्रेनर की मदद से आपने जो इसका है पानी निकाल लेना है। तो मैं इसका पानी अब निकालूंगी। फ्रेंड्स, इसका जो है मैंने जो है आलू का जो है और एलोवेरा का जो जूस निकाल लिया। अब आपने क्या करना है, इसको तकरीबन 5 मिनट के लिए आपने इसको ऐसे ही छोड़ देना है। तकरीबन 5 मिनट हो चुके हैं। 5 मिनट के बाद आपने क्या करना है, आपने एक दूसरा बाउल लेना है और उसके बीच में जो है आपने इसका जो पानी है वो आपने निकाल देना है। उसको आपने डिस्ट्रॉय कर देना है क्योंकि पानी की हमें ज़रूरत नहीं। हमें जिस चीज़ की ज़रूरत है वो मैं आपको बताती हूँ हमें क्या चाहिए। हमें चाहिए इसका ये वाला पाउडर जो मैं आपको अक्सर आपको अपनी वीडियोज़ में बताती हूँ। तो हमें इसका पाउडर चाहिए और इसी की जो है हमने ब्लीच बनानी है। आलू में जो के है ब्लीचिंग प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं, तो इसीलिए ये ब्लीच के लिए यूज़ होता है। अब इसके बीच में जो हमने चीज़ें ऐड करनी है वो है विटामिन ई के जो है 2 कैप्सूल ऐड करेंगे। आपके पास अगर ग्रीन वाले कैप्सूल हो तो आप वो ग्रीन वाले ऐड कर लीजिएगा। मेरे पास इस टाइम ये वाले हैं जो क्रीम फार्म में है, मैं वो उसको ऐड कर रही हूँ। तो इनको हमने जो है ऐड कर लेना है। अब हमने क्या करना है, हमने अब इसको अच्छे तरीके से जो है मिक्स कर लेना है लाइक अ ब्लीच। तो मैं इसको जो है अच्छे तरीके से मिक्स करूँगी। ये जो है अच्छे तरीके से मिक्स हो गया है। अब आपने इसको क्या करना है, आपने इसको अपने फेस पर जो है अप्लाई कर लेना है जैसे हम ब्लीच को अप्लाई करते हैं। क्योंकि इसके बीच में विटामिन ई कैप्सूल ऐड है तो ये बिल्कुल जो है ऑयली हो जाएगा आपका, तो इजीली जो है अप्लाई हो जाएगा। तो आपने फेस पे जो है इसको 15 मिनट्स के लिए जो है लगाकर छोड़ देना है। तो मैं इसको जो है 15 मिनट्स के लिए लगाकर इसको जो है मैं छोड़ देती हूँ। तो फ्रेंड्स, 15 मिनट्स हो चुके हैं। 15 मिनट में जो ये बिल्कुल ड्राई हो चुका है। अब हमने उसको क्या करना है, बिल्कुल लाइट हैंड से जो है इसको इसका स्क्रब कर लेना है और इसको हमने जो है वॉश करना है, वार्म वाटर के साथ वॉश करना है क्योंकि इसमें विटामिन ई कैप्सूल है। विटामिन ई कैप्सूल जो होते हैं वो थोड़े से ऑयली होते हैं, तो आपने जो है इसको वॉश करना है वार्म वाटर के साथ। तो फ्रेंड्स, मैंने मेरे हैंड को जो है वॉश कर लिया है। अब आप देखिए मेरे हाथ जो है ब्लीच हो चुके हैं, हैंड जो है इसके साथ मेरा दूसरा वाला हैंड देखिए आप, डिफरेंस आपको खुद पता चल रहा है कि कितना अच्छा डिफरेंस आया है। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को जो है लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कीजिए और साथ साथ मेरी वीडियोस को जो है अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए ताकि वो भी इसके साथ जो है फ़ायदा उठा सकें। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो के लिए मैं आपके साथ इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफिज़।